इस वीडियो में हम एक थर्मल ओवरलोड रोड रिले को करंट इंजेक्शन के थ्रू टेस्ट कर लेंगे। और ये थर्मल ओवरलोड रिले है जिसकी सेटिंग है 4 एम्पेयर पे, और इसकी कनेक्शन यूं करने हैं कि ये एक कॉमन की सप्लाई है और दूसरी जो है ना वो हमने रखी है क्योंकि हमने 200% पे टेस्ट करना है, 8 एम्पेयर इंजेक्ट करना है। तो ये सप्लाई यहाँ पे लगाएंगे 10 एम्पेयर वाली पे, इसमें 10 वोल्ट होंगे 10 से 20 एम्पेयर के लिए। ये यहाँ से लेके थर्मल ओवरलोड रिले के साथ कनेक्ट किया और इसको लूप कर दिया ताकि तीनों फेजेस से क्रॉस कर सके करंट ये। और दूसरी जो इसकी नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट है उसकी सप्लाई लेके टाइमर के साथ कनेक्ट कर दिया ताकि जो ये ट्रिप हो जाए तो टाइमर रुक जाए, हमें टाइम का पता चले कि कितने सेकेंड में या कितने मिनट में ट्रिप हुआ, फिर उसको हम रिले के ग्राफ के साथ कंपेयर कर लेंगे। अब इसको टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको स्विच ऑन करना है मेन सप्लाई को, और ऑन करने के बाद यहाँ से ऑन कर दिया। और इसकी सेटिंग हमने 20 रखी क्योंकि 5 पे रखेंगे तो वो कम हो जाएगी, ये मीटर की स्केलिंग के लिए भी है। अब 20 का मतलब ये है कि अगर 10 पे आप करेंगे तो वो 20 एम्पेयर होगा, तो वो 4 एम्पेयर की सेटिंग है तो हमने 8 एम्पेयर देना है। 8 का मतलब है कि 20 पे जब सिलेक्शन रखेंगे तो 4 एम्पेयर पे आप रखेंगे तो वो 8 एम्पेयर होगा। ये टाइमर 0-0 है और ये इस वक्त रिले ऑन हो चुका है। अब हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे इस बटन से, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट हो गया, टाइमर स्टार्ट हो गया। और अब करंट बढ़ाना शुरू करेंगे यहाँ से रेगुलेटर से, ये इसको हम 4 पे ले आएंगे, ये आ गया 4 पे, इसका मतलब है 8 एम्पेयर इस वक्त रिले में इंजेक्ट कर रहे हैं हम। ये टाइमर चल रहा है, अब 8 एम्पेयर इसका 200% होगा क्योंकि 4 पे रिले की सेटिंग है। अब जो ही रिले ट्रिप होगा तो हमारा टाइमर रुक जाएगा और हमारे पास टाइम आ जाएगी कि कितनी देर में रिले ट्रिप हुआ, फिर उसको हम ग्राफ से कंपेयर कर लेंगे कि इस रिले का फंक्शन सही है या नहीं। ये रिले हमारा अब ट्रिप हो चुका है 75 सेकेंड पे। अब इसको आप ऑफ कर लेंगे और इसको ऑफ कर दें तो 75 सेकेंड पे ट्रिप हुआ। अब इसको कंपेयर करें कि इस रिले का फंक्शन सही है या नहीं ग्राफ से। ये था रिले टेस्टिंग प्रोसीजर आज का।